अभी यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आ गए हैं, तो दोनों बीच पॉइंट पे है एग्जैक्टली, तो मैच करूँगा। और ये देखिए मैच क्लियर जोन नहीं है मेरे पास दोनों साइड से, इसलिए मैं आकार नहीं बढ़ा पाऊँगा, इसलिए मैं स्लोली निकालूँगा, और जैसे ही मेरे को स्पेस दिखेगी मैं आगे बढ़ा लूँगा। अभी देखिए मैं स्लो मूविंग कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे राइट पॉइंट पे एकदम पॉइंट पे है, इसलिए मैं लेफ्ट नहीं ले रहा। और ये जैसे ही थोड़ा सा मेरे को स्पेस मिलेगी लेफ्ट साइड में, ये देखिए लेफ्ट में स्पेस मिली, तो मैंने राइट पॉइंट के बाहर की तरफ किया और इजीली साइड से निकाल ली अपनी कार को। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट का जजमेंट और राइट का, दोनों का जजमेंट इतनी नैरो सी रोड में लेते हुए आगे बढ़ाना है मुझे। और यहाँ पे मैं टर्न लूँगा, और लोकेशन देखिए आप, थोड़ी सी नैरो रोड है, तो मेरे को टर्निंग में भी देखिए जजमेंट लेनी है, तो किस तरह से मैं जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाऊँगा। इतनी सी स्पेस में मेरे को दोनों साइड का जजमेंट लगाना है, और आगे देखिए इसको ओवरटेक किस तरह से मैंने ले मेरे को लेना होगा, कितनी सी स्पेस होगी। ये देखिए अभी पॉइंट पे है, मिडिल पॉइंट पे चल रहा है एकदम, और जैसे ही थोड़ा सा मेरे को राइट ये लोकेशन मिली, इसको लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ किया, और राइट साइड में देखिए आप इतने व्हीकल्स खड़े थे, राइट साइड का भी जजमेंट मेरे को उसी तरह से लगाना पड़ा। इस पॉइंट से मेरे को बाहर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, मुझे स्टेयरिंग को टर्न करते हुए उसको बाहर की तरफ करना होगा, तो ही मेरा जजमेंट परफेक्ट हो पाएगा। अभी देखिए जो वाइट स्ट्रिप है लेफ्ट में, वाइट स्ट्रिप को लेते हुए मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। ये लेफ्ट स्ट्रिप में देखिए मैं अपनी लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ कार को, और मिडिल पॉइंट से ही उसको मैं मेजर करते हुए या मैच करते हुए एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे अपनी कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रोड के एंड में एक वाइट स्ट्रिप है, अगर उसके ऊपर मैं कार ड्राइव करूँगा तो एक अलग सी वॉइस आएगी, अगर आपको वॉइस आ रही होगी तो पता नहीं, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन है मेरे माइक में, बट मैं फील कर सकता हूँ। अगर मैं वो वाइट स्ट्रिप में मैं मेजरमेंट करता हूँ, मिडिल पॉइंट से एग्जैक्टली मेजर करता हूँ, तो एक अलग सी आवाज़ आएगी। और यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है इसको ओवरटेक लेने के लिए, और ये देखिए ब्लैक स्पॉट के मेरे एकदम पॉइंट पे है, ये ब्लैक स्पॉट के इस तरफ है। अभी देखिए राइट की तरफ मेरे को स्पेस क्रिएट दिखी, तो मैंने स्टेयरिंग टर्न लेके आगे बढ़ाई अपनी कार, और इसी पोजीशन पे जैसे कि मैं अब बता रहा हूँ आपको, इसी पोजीशन से जैसे लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए इतनी सी नैरो सी रोड में मेरे को ड्राइव करना है। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, फुल रोड खाली है। अभी देखिए वाइट स्ट्रिप पे अगर मैं ड्राइव करूँगा, तो ये जो पॉइंट है आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूँ उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ। अब जैसे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करिए, ये जो ब्लैक टैग मैंने रखा है उसके साथ वाइट स्ट्रिप पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आपको अगर वॉइस आ रही होगी तो आप समझ सकेंगे, और लेफ्ट से जजमेंट लेते हुए मेरे को रोड के लेफ्ट साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और राइट साइड से कुछ भी आता है तो मेरे को इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसके बाहर की तरफ होना चाहिए, राइट की तरफ होना चाहिए, ताकि इजली मेरी कार उस पोजीशन से मूव हो सके। अभी यहाँ नेहरू रोड में देखिए कितनी सी जगह से मैं कार को निकाल रहा हूँ, और हमारी कार इतनी सी पोजीशन पे ही निकलती है, इसके मिडिल पॉइंट पे कुछ भी इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे आता है तो वो डेंजर जोन हो सकता है। उसके लिए हमें राइट या लेफ्ट टर्न लेते हुए अपनी कार को ड्राइव करना होता है या निकालना होता है उस पॉइंट से। अभी यहाँ पे व्हाइट स्ट्रिप पे मैं कार चला रहा हूँ, ये देखिए ये जजमेंट इसी से ले रहा हूँ, ये जो मिडिल पॉइंट है उसके थ्रू ही मैं जजमेंट ले रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली नीड होगी। ये देखिए मेरे को बीच में लेफ्ट की तरफ जाना पड़ा क्योंकि सामने से व्हीकल आ रही थी, क्लियर जोन नहीं था लेफ्ट साइड से, इसलिए मेरे को लोकेशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ कार को अपनी ले जाना पड़ा। अभी टर्निंग में देखिए आप, मैं मैच कर रहा हूँ वाइट स्ट्रिप से एग्जैक्टली, ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने रखा है उसके साथ मैं मैच करते हुए अपनी कार को उसी पॉइंट पे ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए, ताकि वो मैच लेफ्ट में मेरी कार जो है लेफ्ट व्हील जो है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रहे जहाँ से मैं मैच कर रहा हूँ आगे वाइट स्ट्रिप पे। और ये देखिए लैम्प पोस्ट के पास से मैं निकालूंगा, ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मिडिल पार्ट है उसके साथ मैं एग्जैक्ट मैच करूंगा, तो मेरा लेफ्ट व्हील वहीं पड़ेगा। और अभी देखिए मेरे को इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को बाहर करना है, जैसे ओवरटेक लेने के लिए मैंने किया अभी, तो इसी तरह से अब कोई भी दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट को मेजरमेंट करते हुए अगर मैं ध्यान लेते हुए ड्राइव करता हूँ, ये दोनों पॉइंट मेरे को क्लियर मिलता है तो मेरी कार निकल जाएगी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ भी आता है तो वो डेंजर जोन होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो हिट होने के चांसेस हो जाते हैं फिर उसमें। और आपको जितनी स्पेस चाहिए होगी, ये दोनों पॉइंट के बीच में जितनी स्पेस है आगे रोड पे, अगर वो रोड आगे रोड पे उतनी क्लियर होगी तो आपकी कार इजीली मूव हो सकेगी आप किसी भी लोकेशन में। ये आप स्किल में डालेंगे कि
ये पॉइंट से लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेंगे तो आपकी स्किल ये लेफ्ट जजमेंट और राइट जजमेंट हम कम्प्लीटली कर सकेंगे, किसी भी नैरो रोड से आप कार को अपनी निकाल सकेंगे और कभी भी परेशानी नहीं होगी। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा जजमेंट दोनों का, लेफ्ट और राइट का जजमेंट आपको सही तरीके से लेना पड़े, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी तो आप ब्रेक करके या तो कार को स्टॉप कर लें, थोड़ा सा अपना जजमेंट सही तरीके से करें तो ये आप समझ पाएंगे कि धीरे धीरे स्किल में डालेंगे तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इसको स्किल में डालेंगे, मार्केट लोकेशन में ड्राइव करेंगे तो ही आप सही तरीके से ड्राइव करना धीरे धीरे सीख जाएंगे इसका, लोकेशन से लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेने के लिए। तो अभी मेरे को कहीं भी लोकेशन से कार को निकालनी होगी तो मेरे को सही तरीके से ये दोनों पॉइंट से जजमेंट ले सकूंगा, और आने वाली वीडियो में आपको मैं स्टेयरिंग से लेफ्ट का और राइट का जजमेंट बताऊंगा किस तरह से करते हैं। स्टेयरिंग को होल्ड करते हुए लेफ्ट के स्टेयरिंग होल्ड करेंगे, राइट का स्टेयरिंग होल्ड करेंगे तो किस तरह से हमारा जजमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी। अभी यहाँ पोजीशन देखिए कितनी सी है मेरे पास, ये बाइक को मैं ये देखिए ऑब्जेक्ट के बाहर किया, अब मैंने ओवरटेक लेते हुए साइड से कार को निकाल लिया। तो इसी तरह से क्या है, आपने कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में ड्राइव करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए वही सेम सिनेरियो, लेफ्ट ऑब्जेक्ट में ये कार को मैं ओवरटेक ले सकता था लेकिन इन्होंने स्पीड इंक्रीज कर ली तो मेरे को इनको फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे इनके पास आगे लोकेशन होगी तो मूव करेंगे अकॉर्डिंगली, मैं भी मूव करूंगा। अभी आप कार में देखिए आगे वाली कार के साथ अगर मैं मैच करूंगा या उनके पीछे जस्ट चलाना चाहूंगा, मेरा लेफ्ट व्हील जो है लेफ्ट जो टैग है उसके साथ में मैच करूंगा और राइट टैग जो है राइट उसके साथ आगे वाली कार के साथ मैच करूंगा राइट साइड को। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने जैसे बताया कि किस तरह से हमें जजमेंट लेना चाहिए वो स्टेयरिंग से रिलेटेड, स्टेयरिंग को होल्ड करते हुए किस तरह से हमारी लेफ्ट का होल्ड करेंगे या राइट का होल्ड करेंगे ताकि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट ले सकें। और अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आगे वाली कार को ये देखिए आगे बढ़ाऊंगा तब मैं दिखाता हूँ आपको, आगे वाली कार के साथ अगर मेरे को मैच करना होगा लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेने के लिए तो मेरा जो लेफ्ट का पॉइंट है लेफ्ट के पॉइंट को जजमेंट लेते हुए फिर आगे बढ़ाऊंगा, और राइट का पॉइंट आगे वाली कार के जो राइट पार्ट है पीछे का राइट पार्ट है उसके साथ मैच करूंगा। ये आगे वाली कार के साथ मेरे को कि उसी के जस्ट फॉलो करते हुए मेरे को अगर ड्राइव करना होगा तो ये दोनों पॉइंट जो लेफ्ट और राइट का पॉइंट है आगे वाली कार के लेफ्ट और राइट पॉइंट को एंड पार्ट को मैं मैच करूंगा ताकि मेरी कार जो एग्जैक्टली उसके पीछे फॉलो करती रहे। ये लेफ्ट का पॉइंट ये देखिए क्लियरेंस किस तरह से मेरे को क्लियर मिल रहा है तो मैं ओवरटेक लेके कार को निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंगली। जैसे ही हम कार को आगे ड्राइव करेंगे और स्टेयरिंग से रिलेटेड भी आपने कंट्रोल किस तरह से अपनी कार को टर्न लेना है, टर्निंग में किस तरह से इसी पॉइंट से आप मैच करते हुए जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है अकॉर्डिंगली आप मैच करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ स्लो मूविंग हो गया है तो इधर में आप देखिए किस तरह से मैं कार को निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था इस कार के पीछे अगर मेरे को लगाना होगा अपनी कार को फॉलो करना होगा तो ये दोनों पॉइंट लेफ्ट का और राइट का पॉइंट जो है जजमेंट लेते हुए मेरे को निकालना है, और आगे वाली कार के लेफ्ट साइड से अपना मिडिल पॉइंट जो है डैशबोर्ड का उसको मैच करूंगा और राइट साइड से ये देखिए मैच किया मैंने, और एग्जैक्टली जैसे भी मैं कार को निकालूंगा स्टेयरिंग के होल्ड से या डैशबोर्ड के सिचुएशन से या टेक्निक से तो आपको सही तरीके से ये चीज़ भी समझा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में भी, स्टेयरिंग कंट्रोल से किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेफ्ट को होल्ड करेंगे या राइट को होल्ड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं किस तरह से अपनी कार को मूव करूंगा जो भी पोजीशन से या लोकेशन में। ये देखिए लेफ्ट का और राइट का होल्ड पोजीशन ये होता है, इसके साथ मैं आपको जजमेंट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें मेरे चैनल को ताकि आपको वीडियो जब भी आए आपके पास आपको नोटिफिकेशन पे आ जाए। इस दोनों पॉइंट को लेते हुए देखिए आप किस तरह से मैं कार को निकाल रहा हूँ। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को स्पेस ये जैसे राइट की तरफ आ रहा था मेरे मिडिल पॉइंट पे तो मेरे को ध्यान रखते हुए स्लो डाउन करनी पड़ी कार, क्योंकि मेरे पास ना लेफ्ट में स्पेस थी ना राइट में। और अभी आप देखिए मैं किस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ, जो राइट साइड में बैरिकेड है इसके एकदम मेरी कार जो एग्जैक्टली बैरिकेड के पास से निकल रही है, क्योंकि ये पॉइंट देखिए उसके बैरिकेड के एंड पार्ट से मैं मैच किए जा रहा हूँ ताकि एकदम पास से मेरी कार निकले, और लेफ्ट में अगर कुछ आता है इस पॉइंट के अंदर की कुछ तरफ कुछ आता है मेरे लेफ्ट साइड में तो मेरे को
अलर्ट होना पड़ेगा, और हो सकता है ब्रेकिंग करके कंप्लीट स्टॉप करनी पड़े अगर वो सामने आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये राइट साइड में अगर मैं, ये देखिए टर्निंग में भी किस तरह से मैं टर्न लूँगा, अभी ये ओपन स्पेस है तो इजीली अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट होता है कम्प्लीटली, किस लोकेशन पे ड्राइविंग करते समय हमें ये दोनों पॉइंट को अपनी जजमेंट में रखते हुए अपनी कार को आगे ड्राइव करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।